हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके साथ मैं आज एग बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये डिलीशियस सा दिखने वाला बिरयानी बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। तो इसे बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो आज मैं एग बिरयानी अपने तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है। तो 1.5 गिलास ये राइस है, इसे मैंने 5 घंटे भिगो कर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब पहले कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच सहजीरा और 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पे मैंने लिया है दालचीनी का अपना। 1 तेज़पत्ता लिया है, ये ऑप्शनल है, तेज़पत्ता आप स्किप भी कर सकते हैं। सब हल्का सा बस गर्म करेंगे, ये मसाला का हल्का फ्लेवर आए, मसाला जले भी नहीं और हमको हल्का से इसे बस भूनना है। तो बस ये रेडी हो गया है। तो अब कुछ मसाले ऐड कर लेंगे हम ग्राइंडर में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 हरी मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन की कलियाँ। तो इसे हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं। और जो मसाले हमने गर्म किया था उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं, और इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। क्योंकि अब इसमें हम गरम मसाले का यूज़ किया है तो इसे अच्छे तरीके से पेस्ट बना लें आप। बिल्कुल महीन पीसना है इसे, दरदरा नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच पोस्ता दाना और 1/2 कप नारियल, इसे भी मैं ग्राइंडर में डालकर और 1/2 कप पानी डालूंगा और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बिरयानी बना रहे हो, चाहे वो एग बिरयानी हो या मटन या चिकन, तो अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि पहले से आप मसाले प्रिपेयर करके रख लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाता है। ये पीसे मसालों को अवॉइड करें और तुरंत पीस कर यूज़ करें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये भी पीस गया है। अब मैं यहाँ पर लिया है 4 टमाटर, इसे भी ग्राइंड करके मैं इसे पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। 1/2 kg प्याज लिया है, इसे अच्छे तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने पतीला रखा है, जैसे ही ये हीट हो जाए इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करना है आपको। कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो 1 चम्मच में जीरा डाल रही हूँ, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है मैंने उसे चॉप करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता और 3 से 4 लौंग। हल्का सा प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट होने लगे उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 जग पानी ऐड किया है, 7 से 8 ग्लास पानी है ये। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच नमक। तो जैसे इसमें बॉईल आ जाए हमारा जो राइस था उसमें इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसे कुक किया हाई फ्लेम पर। तो ये हाफ कुक हो गया, फुल कुक हमको नहीं करना है इसे। तो बस अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, मतलब चावल को हमको यहाँ पे 60 से 70% ही कुक करना है। इसे मैंने सारे पानी निकाल कर यहाँ पे राइस निकाल लिया है, इसे साइड में रख देती हूँ। 1 कढ़ाई में मैंने लिया 3 कप तेल और प्याज मैंने जो कट करके रखा था उसमें ऐड कर दिया है। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम अपना एग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉइल्ड एग लिया है, 1 बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो आपको कट लगाना है इस तरह से, क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे तो ये फूटे नहीं। अब कुछ मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो 1 चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी, छोटे साइज का चम्मच है ये, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही यहाँ पे मैंने 1 से 2 ड्रॉप रेड फूड कलर यूज़ किया है। तो बस इसे राउंड राउंड शेक करना है और हमारा एग में सारे अच्छी तरीके से ये कोटिंग हो जाएगा, कलर भी और मसाले भी। तो देख सकते हैं परफेक्ट रेडी हुआ है। तो प्याज को हल्का रेड होने तक ही हमको फ्राई करना है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। और उसी ऑयल में मैं एग को डाल दूंगी ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो बस एग भी निकाल लेंगे और इसमें से 1/2 ऑयल में निकाल ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है। इसी ऑयल में मैं डालूंगी 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा।
उसके बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो हमने जो मसाला रेडी किया था, अदरक लहसुन और गरम मसाला, उसे पहले हम ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। एक से दो मिनट भून लेने के बाद कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक, एक से दो मिनट तक अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे भूनने से फिर इसमें हम टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। इसमें हमको करना क्या है कि हमको सारे मसाले हमने जो रेडी करके रखा था उसे धीरे धीरे ऐड करके हमें भूनना है। अब मैं आधा जावित्री ले रही हूँ, इसे मैक भी बोलते हैं, और साथ ही मैं ले रही हूँ जायफल का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा ऐड करना है बस फ्लेवर के लिए हमको। अब इस मसाले में उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड कर रही हूँ 1 चक्रफूल, और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कुछ प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था, उसे हल्का सा क्रश करके एक मुट्ठी में इसमें ऐड कर रही हूँ। और जब लास्ट में मसाले अच्छी तरीके से भून जाए तब इसमें ऐड करेंगे हम पोस्ता दाना नारियल का पेस्ट और 1 कटोरी साथ ही दही। तो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक के लिए हमें इसे ढककर पकने देंगे। तो बीच बीच में लीड उठाकर हल्के हाथों से इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे नहीं। बस हमारा मसाला रेडी है, अच्छे तरीके से ये भुन गया है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है मोटे तले का, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं मोटे तले का। अब मैं इसमें 1 लीयर रख रही हूँ राइस जो हमने हाफ कुक किया था। अब इसमें कुछ ड्रॉप डाल रही हूँ रेड फूड कलर और केवड़ा एसेंस। तो फूड कलर को मैंने पानी में डालकर रख लिया था, आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है जो हमने भुन कर रखा है। एग बिरयानी मैं कलरफुल बना रही हूँ, आप इसे विदाउट कलर भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हमने एग जो फ्राई करके रखा था, और साथ ही ऐड करेंगे हमें प्याज जो हमने रेड करके रखा है। घी डाल रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच। अब फिर एक राइस की एक लेयर रखेंगे इसमें हम। तो सेकंड लेयर में फ्यू ड्रॉप में एसेंस ऐड कर रही हूँ केवड़ा। अच्छा, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप राइस बना रहे हैं ना उस टाइम पे भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। बिरयानी का फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ कुछ चॉप करके, और साथ ही घी ऐड कर रही हूँ। अब बीच में राइस के पानी डालेंगे हम, तो 1 ग्लास पानी में डाल रही हूँ यहाँ पे। बस अब इसमें हम लगाएंगे लीड और मीडियम लो फ्लेम पर हम 10 से 15 मिनट तक इसे कुक होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो गया गाइस, आप देख सकते हैं परफेक्ट राइस हमारी कुक हुई है, दिखने में बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। तो इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना कलरफुल और डिलीशियस दिख रहा है ये। तो खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है, तो इसे बनाकर एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मसाले अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो इसे बनाना और भी आसान हो जाता है। तो बस हमारा एग बिरयानी रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।